साले फल 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 ਲੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਲੋ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਲੋਗ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਂਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਭਈਆ ਨਾ ਵੱਡਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਲਾ ਕੁੱਲਾ ਰੱਖੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਕੱਪਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋ ਪੁੱਤਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ अरे बचे अपनी फैमिली थोड़ा जो जिम्मेदारियां पे थोड़ा मच्योर हो बच्चे होना चाहिए यार मुझे याद आया बाबा कह रहे थे कि जी इसकी जो है ना वो बत्तख लेके आएंगे हम यार मैं तो उन बत्तख ले आ देना इनका ब्याह करा देने आज बाबा तकरीबन मंथ एक पहले शायद मुझे बोला था कि यार तुम कितने आए हो मेरे को मैं तो ना बत्तख ले देवगा तो अभी सीन ये है कि जहन में आ गई है बात कि यार हाँ इस पर भी ब्लॉग बन सकता तो आज आहो मुनीब कितने मुनीब अंश के भाई छोटे भाई को बुलाते हैं इसको जरा इसकी तैयारी शारी करवा ले ये वाकई वो काफी बड़ा ही है इतना बड़ा अभी हम मुनीब को कहते हैं इसे तैयार वगैरह करे अभी जाने काम में थाने थोड़ा जा ले के आने बत्ती हूं इवन पैर फोड़ तोड़े बताओ फाड़ के पूरी प्रॉपर शादी कराएगी यदि टेंशन नहीं लेनी यदि शेव शेव करके प्लकिंग करके बेस वगैरह ला के सोना पफ शा स्पाइस बना के खिलार दे खास तौर पर पैर शर साफ कर दे ठीक है तो यदि बुढ़ी लैन जा रहे हैं ठीक है तो की वो मुसलमान ने सा निकाह कराना कि फेरे कराई जाना है वे यार ए कि खूबसूरत लग रहे हैं जुड़वा जुड़वा जा रहे हैं वो बेचारा कल ही खैर जी बाबा ने मुझे बोला था कि एक मिनट पहले कि यार तुम आए हो अंश का बत्खा मैं वेख्या खाली फिर होंगे तो वास्ते मैं बत्खा का कुछ करा तो आज ही वही दिन है आज बत्खे की शादी करवा देंगे हम अभी हम चलते हैं जी बत्ख लेने के लिए तो मिलते हैं आपको जाके बल्कि यार पहले पापा ने फोन करके पूछ लिए ठीक है ना हम जरा पापा को फोन कर लें लें जी फोन हमने कर लिया है बाबा को और बाबा कह रहे हैं यार मैं तो डेढ़ महीना हो गया कहना मैं आइयो तो लै जाओ तो वही ना होगा उन्होंने सेल कर दी थी तो जल्दी ना लाओ तो ले लो बत्तख आ गए बाबा का कोई दोस्त है उनको बोला हुआ है चलो जी चलते हैं मिलते हैं आपको जाके बत्तखे की होने वाली बीबी के पास अचानक बनवाने लगे हैं जी दो गजरे किन के लिए अपनी बत्तखों के लिए ताकि जरा थोड़ा सा माहौल बन जाए शादी वाला मेरी भाई बोल रहे थे कि ना दो सौ के बना सो मैं यार तू ना ये चिट्टे ने ना ए ना बच्चे लाई साड़ी बत्खा अगे चिट्टिया ने सू सिर्फ रेड से बना दे बन लिया जी हमारे गजरे भाई बनाते हैं फिर यहाँ से लेते हैं और चलते हैं सीधा बाबा के पास और बाबा को लेके चलते हैं जी अपने दूल्हन के पास A few moments later. हम पहुंच गए हैं बत्खों वाली जगह पे और साद अब्दुल्ला जा रहे हैं जी अंदर और ये खड़े हैं जी हमारे ये बंदा हमें बताएगा जी कौन सी वाली बत्तख है और कौन सा वाला बत्तख है बाबा गए हैं जी दूसरी साइड पे तो पता करने के लिए जिनसे लेनी है उनको साथ लेने के लिए गए हैं शायद आई थिंक और अभी जाके ने पकड़ रहे हैं दौड़ भज करके आई थिंक दो बत्तखें लें हम ऐसा हो सकता है कन्फर्म नहीं पता लेकिन उम्मीद है कि दो लें अगर हम दो लेंगे तो एक ही शादी करवा देंगे और एक काफी हद चलेगा उसके साथ एक ही शादी करवा देंगे और एक काफी हद चलेगा उसके साथ कौन है ये लोग कहां से आते हैं माशाल्लाह जी ये देखें ये आई थिंक ये सबसे बड़ा है और वो जो दूर वाली है ना वो ये इनकी माँ है बाकी सारी जो है ना इनमें से जी हम लेंगे दो बत्तखें दो लेंगे या आई थिंक एक लें और इन्हें अभी पकड़ना भी है बाकी देखते हैं क्या नाम बनता है बाबा आएंगे तो फिर ही पता चलेगा कि कौन सी इनमें से लेनी है और कौन सी छोड़नी है अच्छा जी अन साहब तुम दसो कि फिर तुम्हें कि लगता कि बत्तखी है तो कि बत्तख है ज़्यादा बत्तखा ने हाँ जी बाबा जी
ਹੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਤਖਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬੱਤਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੈ ਲਓ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸਭ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੜਨੀ ਇੱਕ ਇਹ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਅੜੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਖੈਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਕਲ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕੇ ਓਨਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਭੀ ਸਾਰ ਫੜ ਲਾ ਫੜ ਲਾ ਫੜ ਲਾ ਫੜ ਲਾ ਲੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਬੱਤਖ ਪਕੜ ਲਈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰੇ ਮਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲਈ ਬੱਤਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਤਖ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੱਤਖ ਹੈ ਅਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਫੜੀਏ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਬੱਤਖ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਅਲੱਗ ਬੱਤਖ ਵਾਈਟ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੜ ਲੈ ਇਹ ਫੜ ਲੈ ਇਹ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਧ ਫੜਨੇ 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 ਓ ਜੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਈ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਕੜਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਇਓ ਬਾਈ ਅੰਸ ਦੱਸ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਬਾਈ ਫੜੇ ਹੋਇਆ ਵਾਲੀ ਬੱਤਖ ਫੜੇ ਹੋਇਆ ਵਾਲੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੰਸ ਬਾਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਇਹ ਬੱਤਖ ਹੈ ਇਹ ਬੱਤਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੱਤਖਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁੜਮੁੜੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਬੱਤਖ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੀ ਵੇਖੀ ਲੈ ਜੀ ਅਭੀ ਅੰਸ ਬਾਈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਮਨੇ ਦੋ ਬੱਤਖੀਆਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਬੱਤਖਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਚਲੇ ਜੀ ਅਭੀ ਹਮਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮੰਥ ਸੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁਆ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਵਹੀ ਬਾਤ ਕੇ ਹਮਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ ਆਜ ਹਮ ਆਇਆ ਇਹ ਅੰਕਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲੇ ਥੀ ਅਭੀ ਜੀ ਹਮ ਇਨਕੇ ਓਨਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਹਮਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਥੀ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਆ ਕਿ ਦੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕੈਸੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਾ ਜੋ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਨਮੇ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਜੀ ਹਮਨੇ ਬੱਤਖੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਔਰ ਹਮ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲਨੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਆਹੋ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ 5 ਮਿੰਟਸ ਲੇਟਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਅਭੀ ਜੀ ਅੰਸ ਸਾਧ ਬਈ ਔਰ ਅੰਸ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪਕੜੀ ਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੀ ਟੱਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਕਰ ਦਵੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਠਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਇਨਕੀ ਜੋ ਪਿਛਵਾੜਾ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਚ ਗੱਡੀ ਯਾਰ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਛਾਪਰ ਛੁਪਰ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੜ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਆਹੀ ਘਰ ਯਾਰ ਉਹ ਤੂੰ ਛਾਪਰ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਈ ਚਲੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਚੜ ਛੱਡਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਓ ਯਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਿਆ ਓਏ ਨਾ ਮਾਰੇ ਸਾਦੀ ਜੀ ਹਾਂ ਮਨਸ ਬਾਈ ਕੇ ਗਾਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਛੱਡੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੰਸ ਬਾਈ ਕੇ ਗਾਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਰ ਜੀ ਅਭੀ ਇਨਕੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕਾ ਜੋ ਬੱਤਖ ਹੈ ਵੋ ਲਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਸ਼ਾਟ ਬਣਤੇ ਹੈ
ਲੈਣ ਜੀ ਲੈਣ ਜੀ ਲੈਣ ਜੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਓਏ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ नहीं जी हम ले आए हैं और हमने दोनों दूल्हे तैयार कर दी। हमें पता नहीं अब इन दोनों में से कौन से दूल्हा ना, ये तो मुझे दूल्हा लग रहा है। ओ हाथ भी मटिया मटिया पैर खड़े हैं वाला जो बतखा था वो हमने अंदर भेज दिया और ये दोनों हमने पकड़ी हुई है। अभी इन्हें खोलते हैं और देखते हैं क्या निजाम बनता है, वो इन्हें एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। काट जरा बाहर नहीं जी, अभी हम इन दोनों को छोड़ने लगे इनके पास। आई थिंक ये पता नहीं अभी ने एक्सेप्ट करता या नहीं करता। ये दो दूर ले लेके जा रहा अपनी। नहीं जी खुश हो गए हैं जी दूल्हा। ये देखिए हमारे हाथ खुशी बसर करे। कोई नहीं अल्लाह की दुआ साडा भी कराए। यार वो पीछे पीछे हूं ही पीछे लग गया बुढ़ी पीछे हूं ही बुढ़ी पीछे चेक कर। नहीं एक होता भी यार बंदा है यार जाती हो गया। आज का ब्लॉग छोटा सा, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो यहीं से करते हैं वीडियो को खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये हैं जी बतखें, दोनों बतखें और साथ उनका जी शोहर। और ऑडियंस बताए जी ये जोड़ी कैसी लग रही है। और ये रहे जी हम जो कि पसीने के साथ एकदम से तर हो चुके हैं। और ये बच्चे देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे देखने आए हुए हैं, इनकी वेडिंग इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी। तो close till I get up,